राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपनी पार्टी यानी कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं। लिहाजा बिहार चुनाव में पप्पू अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में रैली भी कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार का सारा जिम्मा समर्थकों के कंधे पर ही है। विधायक प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी वो नंबर में कई चीज है, मिलते ना पप्पू जी के वोट। कोरोना और बाढ़ में जनता के बीच काम करके पप्पू यादव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1990 में मधेपुरा के सिंधेश्वर विधानसभा की सीट से पहली बार विधायक बनने वाले पप्पू यादव ने बहुत कम समय में कोसी बेल्ट के कई जिलों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। उन्होंने मधेपुरा ही नहीं बल्कि पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार जिलों में अपने समर्थकों का मजबूत नेटवर्क खड़ा किया है और इसी के सहारे पप्पू यादव अब लोगों से वोट मांग रहे हैं। हम चाह रहे थे कि दिल्ली जैसे कॉमन मैन को लोगों ने वोट दिया, यहाँ भी कॉमन मैन को लोग वोट दे, और जिसको वोट दे एमएलए में वह उसका कंप्लीट ट्रस्टेड आदमी हो। पप्पू यादव का कम से कम 40% उसके भीतर कैरेक्टर हो, तो ऐसा मेरे मन में हमें चाहता भी हूँ। और बहुत क्लियर आपको समझाऊं, जनता ट्रस्ट कर गई, लड़ रहा हूँ। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। पप्पू यादव को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर का चुनाव प्रचार भी जोरों पर चल रहा है। समर्थकों के बीच लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, छोटी छोटी चुनावी सभाएं की जा रही हैं। इसी सीट से चंद्रशेखर 2010 और 2015 दोनों विधानसभा में जीतकर परचम लहरा चुके हैं। ऐसे में चंद्रशेखर के हौसले बुलंद हैं। बड़े मत के अंतर से यहाँ महागठबंधन जीतेगी चुनाव, दो बार जीती है, तीसरे बार भी जीतेगी। और अभी तो हमारे आदरणीय नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से उनके संरक्षण में जो निर्णय लिया है, जो संकल्प व्यक्त किया है बिहार वासियों के हित में, वह अपने आप में ऐतिहासिक है। आप सब एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में निखिल मंडल जेडीयू के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। निखिल समर्थकों के साथ गलियों से लेकर गांव के हर कोने कोने की खाक छानते दिख रहे हैं। निखिल मंडल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल के पोते हैं और क्षेत्र में काफी चर्चित हैं। जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल जय एनडीए तय एनडीए के नारे बुलंद करते हुए अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए के जो काम किए गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तहत हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तहत हो, जो काम का कमिटमेंट था वो जमीनी हकीकत के रूप में वो बदला है, लोगों तक पहुंचा है, समाज के अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक हर वो सुख सुविधा या विभाग के कार्य पहुंचे हैं जो गवर्नमेंट ने वादा किया था। निश्चित रूप से एनडीए के कार्यकाल के काम और मधेपुरा की जनता की मांग कि एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा और बड़ों का आशीर्वाद जिस प्रकार से मुझे मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ना सिर्फ मधेपुरा बल्कि बिहार में हम लोग बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे और एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। बिहार चुनाव में जातीय समीकरण का काफी प्रभाव रहता है। ऐसे में मधेपुरा के जातीय समीकरण की बात करें तो मधेपुरा मुख्य रूप से यादव बहुल्य सीट है। मुस्लिम पासवान रविदास भी यहाँ निर्णायक भूमिका में है। बाहुबली से नेता बने पप्पू की मधेपुरा में एंट्री से मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। मधेपुरा में 7 नवंबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी, लेकिन मधेपुरा का महाबली कौन होगा इसका फैसला 10 नवंबर को होगा।